अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, मेरा आज का जो लेक्चर है वो 7th क्लास के लिए है और हम लोगों ने कल पढ़ा था कि लाजवाब इन में किसके बारे में बताया गया। तो मैंने आप लोगों को ये भी मुकम्मल डिटेल से बताया था कि इब्ने बतीर के बारे में बताया गया और उन्होंने किस चीज़ में महारत हासिल की थी और उसने उन्होंने किस चीज़ में तालीमात हासिल की थी। आपको बताया था कि वो जानवरों के मतलब जानवरों और जड़ी बूटियों के लिहाज से जो तालीमात थी या मालूमात थी वो उन्होंने हासिल की थी। और साथ में आपको कल मैंने वो बताया था कि वो अपने शहर से निकलकर किस किस इलाके में गए या किस किस मुल्क में गए, उधर जाके उन्होंने क्या काम किए, उन्होंने जाके कौन सी इंफॉर्मेशन हासिल की। ये भी कल मैंने बताया था कि वो बहुत से ऐसे ममालिक में घूमे हैं, वो उंगलिस से निकलकर निकले, जब अपने शहर से निकले थे वो कभी भी उंगलिस नहीं आए थे। और साथ में उनकी एक किताब का भी ना जिक्र किया गया था, किताब का जिक्र किया गया था कि उनकी जो किताब थी अलजामिया थी ना, तो उसमें क्या क्या बताया गया। अब हम आज उस चीज़ पर बहस करेंगे या उस चीज़ का मुतालिया करेंगे कि जो उन्होंने अपनी किताब में लिखी थी चीज़ें, वो जो दूसरी किताबों में चीज़ें नहीं बताई गई थी। तो आज हमारा जो है ना, हम ये पढ़ेंगे कि उन्होंने अपनी किताब में कौन कौन सी ऐसी चीज़ें बताई थी जो दूसरी किताबों में नहीं लिखी थी। ठीक है, तो आज हम लोग सफ़ा नंबर 74 की पढ़ाई करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। इस किताब में दर्ज ज़ैल 6 मौजूआत का अहाता किया गया है। अब इसी किताब में 6 मौजूआत यानी 6 इनवान हैं जिस पे मुतालिया किया गया, जिस पे बहस की गई, मुबाहसा किया गया, जिससे हमें बताया गया है। सबसे पहले नंबर 1, तमाम मुफरिद दुआओं, गज़ाओं और इनके इस्तेमाल का जिक्र, जिनकी आम लोगों को हर रोज़ और दिन रात ज़रूरत होती है और ज़रूरत पड़ती है और वो इनसे फ़ायदा उठाते हैं। अब पहला पॉइंट है, उनकी किताब में बताया गया है कि मेडिसन के बारे में, मुख्तलिफ जो मेडिसन होती हैं, गज़ाओं के बारे में और उन चीज़ों के इस्तेमाल का जिक्र किया गया है जो लोगों की रोज़मर्रा ज़िंदगी में आम तौर पर लोगों को ज़रूरत होती है, दिन हो रात हो, जब भी उनको मतलब उनको ऑल द टाइम किसी न किसी चीज़ की ज़रूरत होती है और वो उनसे फ़ायदा भी उठाते हैं। पहला मौजू ये हो गया। दूसरा क्या है, पहलों और पिछलों की किताबों में से सिर्फ इन सही बातों का जिक्र जो मुशाहदा और गौरवफिक्र और तजर्बे के बाद सही साबित हुई हैं। अब ये था कि उन्होंने क्या किया था, जो पहले गुजरे गए यानी जो पहले किताबें थीं या फ़िलहाल जो किताबें थीं उनके पास, उनमें से जो जिन पर मुशाहदे यानी तजर्बात किए गए, जिनको जिनके साथ उनको सोच विचार लिया गया और वो मामलात, वो पॉइंट्स उन्होंने अपनी किताब में लिखे थे जो सही मानों में मुशाहदे करके हमारे सामने आए थे। ठीक है, उनको नहीं लिखा जो बग़ैर तजर्बात के, बग़ैर सोच विचार के सामने उन्होंने अपनी किताबों में लिखे थे। आगे नंबर 3 है, किसी बात को दोहराया नहीं गया, मतलब एक बात को बार बार नहीं किया गया कि ये हम लोगों ने पहले पॉइंट बताया तो इसको फिर दोबारा बार बार रिपीट करना। ठीक है, नंबर 4 है, तलबा की सहूलत के लिए दुआओं, गज़ाओं और बूटियों के नाम हरूफ तहजी के अतबार से लिखे गए। अब उन्होंने स्टूडेंट्स की आसानी के लिए उन्होंने क्या किया, जो दुआएं मतलब मेडिसन्स हैं, खाने पीने की अशिया के बारे में बताया है या जड़ी बूटियों के नाम जो है उन्होंने क्या लिखे हैं, उन्होंने स्टूडेंट्स की आसानी के लिए जो दुआएँ मेडिसन्स खाने पीने की चीज़ें और जड़ी बूटियों के नाम था उन्होंने हरूफ तहजी के हिसाब से लिखी थी, यानी तरतीब से, जैसे हरूफ तहजी होते हैं। हरूफ तहजी आप लोगों को पता है किसको बोलते हैं, अलिफ जो होती है उसको हरूफ तहजी बोलते हैं, उनको उसी तरतीब से उनके नाम लिखे हुए हैं ताकि जो स्टूडेंट्स हैं, तालिबे इल्म हैं, उनको मुश्किल ना हो। नेक्स्ट नंबर 5 है, किसी हवाले के बारे में कोई गलत फहमी रवाज पा गई थी तो इस तजर्बे से दूर किया गया है, यानी उस किताब में ये बताया गया कि जो गलत फहमी पहले हमारे जो पहले किताबें लिखी गई थी उनसे कुछ गलत फहमी हो गई थी लेकिन इनकी किताब की वजह से वो दूर कर दिए। फिर हर दवा का नाम मुख्तलिफ ज़ुबानों में लिखा गया है, जो मेडिसिन उन्होंने मेडिसिन के नाम लिखे हैं ना उनको मुख्तलिफ ज़ुबानों में लिखा है ताकि जिनकी जो ज़ुबान हो वो आसानी से वो जो है ना मेडिसिन का नाम पढ़ लें। आगे बढ़ते हैं, इस किताब की बहुत सी ज़ुबानों में तराजुम किए गए हैं, यूरोप के अहले इल्म ने इसकी बहुत तारीफ़ें की हैं, इसकी अहमियत को तस्लीम किया। बरतानवी शहनशाह जेम्स अव्वल के ज़माने में कायम होने वाले पहले मेडिकल कॉलेज में इस किताब को बड़ी अहमियत के साथ फार्मेसी के साथ की तलीम के लिए निसाब में शामिल किया गया। अब उनकी जो किताब थी, जो उनकी किताब थी पहली, उनको बहुत सी ज़ुबानों में उसका तर्जमा किया गया था और यूरोप में, उसके बाद बरतानवी जो शहनशाह जेम्स था उसके ने जब मेडिकल कॉलेज बनवाया तो उसमें इनकी किताब को बहुत अहमियत दी गई थी, फार्मेसी के लिए इन्हीं की किताब यानी मेडिसिन के लिए इन्हीं किताब को
जो था ना उसका मुताला किया जाता था। इस किताब के बाद हिस्से सदियों तक यूरोपीय और बरतानवी उलमा मुहक्किकीन और साइंसदानों का तवज्जो का मरकज बने रहे। इब्न बतीन ने इसके अलावा डिसफोरडेस की किताब की शरह भी लिखी, जो एक लिहाज से इब्रानी, यूनानी, सरियानी और बर्बरी जुबानों की डिक्शनरी है। फिर लिमो के बारे में एक मुकाला, एक किताब तिब्बे पर एक किताब बनवान अल्फाल अलगरबिया अलखवास अलजबिया, एक किताब जिसका नाम मेज़ानुल तिब है, और एक रिसाला जहरों के ज़रिए से इलाज करने के बारे में लिखा। अब ये उन्होंने किताबें बताई हैं जो उन्होंने मुख्तलिफ इलाज के लिए नाम लिखे थे। के बाद इनके इल्म की वसीयत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि इन्होंने स्पेन, शुमाली अफ्रीका और शाम में पाई जाने वाली 1400 ऐसी जड़ी बूटियों का तذکرہ किया जिनका तबी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता था। उन्होंने स्पेन, शुमाली अफ्रीका और शाम में 1400 जड़ी बूटियों का मुताला किया था जो डॉक्टर्स के लिए यानी तिबी इलाज के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, और 300 ऐसी जड़ी बूटियों का भी जिक्र किया जिनको इब्न बतीत से पहले कोई नहीं जानता था कि वो किस काम आती हैं। अब उन्होंने 300 जड़ी बूटियां ऐसी भी दी थी हमें कि जिनके बारे में उनसे पहले कोई जानता नहीं था कि किस चीज़ की किस बीमारी के लिए इस्तेमाल होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इब्न बतीत के बारे में। मशहूर है कि एक जहरीली बूटी पर कुछ तजर्बा कर रहे थे ताकि दवा बना सके, तो इसके असरात इनके बदन पर सरायत कर गए जिसकी वजह से वो जानवर ना हो सके, और 1248 में सिर्फ 49 साल की उम्र में दमिश्क में वफात पा गई। अब क्या हुआ था उनकी वफात का, यहाँ पे बताया गया है कि किस वजह से हुई थी, कि उन्होंने जहरीली जड़ी बूटियों का बूटी का तजर्बा शुरू कर दिया था जिसकी वजह से वो जो जहरीली जड़ी बूटी थी वो उनके जिस्म पर उसके जो कुछ ड्रॉप्स वगैरह थे या कुछ अज़ाद थे उनके जिस्म पर लग गए थे जिसकी वजह से उनका मौत का बायस बना, और 1948 में सिर्फ 49 साल की उम्र में, यानी अभी 50 साल की उम्र में भी नहीं थी तो उनकी वफात हो गई थी। तो ये पढ़ाने का मकसद ये है कि आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मालूम हो कि हमें डिफॉर्मेसी यानी मेडिसन्स के ज़रिए मेडिसन्स के मतलब हमें किसने बताया वो हमारे हमें बताया गया, और इब्न बतीत ने हमारे लिए क्या क्या काम सर अंजाम दिए, और किस तरह उन्होंने हमें जड़ी बूटियों से मेडिसन्स बनाने, और आज जो हम लोग डॉक्टर्स वगैरह हमें मेडिसन देते हैं किस तरह हमारी बीमारियों को ख़त्म करने के लिए दी गई। ठीक है स्टूडेंट, आप लोगों ने ये आप पूरी कहानी की पढ़ाई करनी है, और आप लोगों को जो मैंने मायने बताए हैं वो कॉपी पर नोट भी करने हैं और याद भी करने हैं। ठीक है स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।